करते हैं भुलेश्वर मार्केट, मुंबई का बहुत ही फेमस भुलेश्वर मार्केट। और ये कहाँ पर आता है? ये चन्नी रोड में आता है और चन्नी रोड से बहुत ही पास में ही है, मरीन लाइन से पहले चन्नी रोड आता है और वहीं पर ही आपको ये भुलेश्वर मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा दिखाएंगे। आज कुछ यहाँ पर ज़्यादा है खास नहीं है, ऐसे ही पूरी मार्केट है यहाँ पे। और ये भुलेश्वर का ये बहुत ही पुराना मार्केट है और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा दिखाते हैं आपको। बहुत सारे दिन हैं, बड़े अलग अलग दिन हैं, जैसे भी आप आएंगे वैसे वैसे इस मार्केट में आपको नई नई चीज़ें दिखने मिलेगा। और आज केवल हम लोग ओवरऑल व्यू ले रहे हैं, कोई प्राइस कोई रेट नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि बस ऐसे ही चलते चलते इस मार्केट को आज एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखिए बहुत सारी अलग अलग मार्केट हैं, आज आपको ये पूरा घूमेंगे, घूम घूम के पूरी मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए ऐसे ही है यहाँ पे। तो त्योहारों के समय कैसे भीड़ होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब त्यौहार चलते हैं तो कैसे कैसे व्यू आ जाते हैं, कैसे लोकेशंस आ जाते हैं। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा, बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे ये देखिए यहाँ पे बेच रहे हैं। ये हमेशा ही रहता है मार्केट, जो डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही बिकते रहता है, हमेशा ही वो चलते रहता है, डेकोरेशन वाला कभी कम नहीं होता है। और डेकोरेशन की जो आइटम्स होते हैं वो वैसे ही बिकते रहते हैं। तो ये पूरा आपको हम चलते चलते दिखा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको समझ में आया होगा, बहुत बड़ा है भुलेश्वर और आप जितना भी घूमेंगे उतना भी छोटा पड़ जाएगा आपको। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं आपको, जैसे क्रॉफर्ड मार्केट है वैसे ही ये भुलेश्वर वाला भी मार्केट है। तो ये भुलेश्वर रोड है और सबसे ज़्यादा भीड़ आपको दादर देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको क्रॉफर्ड मार्केट में देखने को मिलेगा, जो है क्रॉफर्ड गलीज में आपको देखने को मिलेंगे। और वैसे ही गली वैसे ही आपको भीड़ जो है वो आपको क्रॉफर्ड मार्केट, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर, आपको इमिटेशन ज़रूरी लेकर कपड़ों के अलग 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 मार्केटेड हैं। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। हम जितना भी कवर करें या जितना भी एक्सप्लोर करें उतना ही कम पड़ेगा। ये देखिए ऊपर मंदिर है और नीचे इन्होंने, और ये देखिए जोधपुर साड़ी सेंटर का ये आगे दुकान है। ऐसे तो ये दिमाग लग गया कि थोड़ा सा हो जाए है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे ये मुझे लग रहा है पूरा फूल गली का पूरा ऐसा मार्केट लग रहा है, पूरा फूल वाला पूरा एक हिसाब किताब दिख रहा है। ये देखिए यहाँ का ये मच्छी मार्केट, और पीछे लेना थोड़ा ये
ये पूरा देखो ये ऐसे ही है, ये पूरा फूल गली है। ये भी देखिए एक गली है पूरी जो जाती है दूसरे मार्केट की तरफ। आज बहुत सारे मार्केट बंद है क्योंकि त्यौहार भी है, वैसे वैसे चलते रहता है। ये देखिए इमिटेशंस के अलग 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 दुकान है यहाँ पर, आपको ये सब होलसेलर और होलसेल डील में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको दिख रहा है पूरा कुलेश्वर मार्केट, तो पूरा देखो ऐसे ये भीड़ रहती है, ये ऐसे ही आपको भीड़ देखने को मिलेगी। अलग अलग बहुत दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर गली में आप घुस जाइए आपको दिखने को मिलेगा। ये भी गली है, ये भी गली है, ये मेन रोड की गली है। मैं भी ये दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़। शाम के समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, शाम के बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप शाम के टाइम पे तो आपको यहाँ पे चलने के भी रास्ता नहीं मिलेगी। ये यहाँ का भाजी मार्केट भुलेश्वर में बीएमसी मार्केट, ये देखिए ये जो पीछे बीएमसी मार्केट है। देखिए रोड पर ही लोग स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, ये दिख रहा है आपको पापड़ जो बहुत फेमस है वो लोग खा रहे हैं। अंदर गली 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 बहुत दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अंदर, अभी आप चलते जितना जाएंगे, मेन तो मार्केट यही है भुलेश्वर का, जो भुलेश्वर बीएमसी मंडे ही है वही है। देखिए एक रोड कहीं और जाता है और ये रोड कहीं और जाता है। ये देखिए दिख रहा है आपको पूरा ऐसे ही है। ये दिख रहा आपको ये ऐसे ही है, और भी दूर दूर तक है, पूरी मार्केटेड है, और भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए पूरी ये मार्केट ऐसे ही है, और ये मार्केट आपको कैसा लग रहा है, ये गली आपको कैसे लग रही है, ज़रूर आप लोग कमेंट पे बताइएगा। और काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूँ इस मार्केट को, देखो पूरा ये मार्केट, और घूमते 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 पूरा आप इसको एक्सप्लोर कर रहे, दिखा रहे आपको। ये देखिए होटल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए यहाँ पे फैंसी आपको पटका और बर्तन है देखने को मिलेगी।
अभी तो दिन के 3 बज रहे हैं। आप सोचिए जब आप रात में आएंगे तो आपको कितना भीड़ मिलेगा। अब अभी तो 3 बज रहे हैं, ये देखिए बहुत सारी गली 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 गली, अब थक जाएंगे घूमते 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 घूमते, अब पूरा थक जाएंगे। ये देख लो आप, तो ये देख लीजिएगा आप। अभी हम लोग आगे हैं जावेरी बाजार की तरफ, ठीक है। तो ये बुलेश्वर वाला पूरा रोड था और अलग 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 दुकानें और अलग अलग सारी चीज़ें। तो अब आ गए हैं जावेरी बाज़ार में, घुस गए हम लोग, और ये बुलेश्वर के साथ ये यहाँ का जावेरी बाज़ार। तो ये पूरा आपको हम चलते चलते दिखा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। ये देखिए आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बस इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का एक्सप्लोर करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।